हेलो दोस्तों, अभी तक आपने एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी के तीन भाग देखे हैं, जिनमें आपने देखा है कि दीपक अपनी बहन की शादी के अगले दिन उसके ससुराल जाता है, जहां एक लड़की उसे एक लव लेटर देती है जो किसी अनजान लड़की द्वारा भेजा गया होता है। दीपक उस लव लेटर को खोलता है और पढ़ता है तो पता चलता है कि कोई रिया नाम की लड़की उसे बिना देखे पिछले एक साल से उससे प्यार करती है। दीपक उस लड़की से कहता है कि वह उसके प्यार के काबिल नहीं है, लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और अगर आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी। आखिरकार उसके प्यार को स्वीकार करना ही पड़ता है दीपक को, और धीरे धीरे उसे भी उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। धीरे धीरे प्यार का सिलसिला शुरू होता है। वे दोनों दुनिया की नजरों से छिप छिप कर एकांत में मिलते हैं और साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। गरीब परिवार का दीपक उस लड़की को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है, लेकिन और इसी चाहत में वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए विदेश कमाने चला जाता है। इधर रिया के परिवार को उनके प्यार के बारे में पता चल जाता है और वे लोग बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, रिया को टॉर्चर करते हैं। दीपक को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपने पापा को रिया के घर रिश्ता लेकर भेजता है, परंतु रिया के परिजन रिश्ते से इनकार कर देते हैं। फिर दीपक रिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी मना कर देती है। अपने परिजनों की दबाव में आकर रिया भी टूट चुकी होती है और उसके रिश्ता तोड़ लेती है। बेवफाई और नफरत की आग में जलता हुआ दीपक एक खतरनाक फैसला करता है। अब आगे देखिए इस कहानी में आखिर बेवफा कौन है, क्या हुआ है। अब इसमें हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, दिल रुबा तू है बेवफा। अजीब इत्तेफाक था कि बस के साउंड सिस्टम में भी यही गाना प्ले हो रहा था। इधर उसने भी तय कर ही लिया था कि वह रिया के घर जाकर सल्फास की गोलियां खा लेगा। दीपक ने इस गाने को पहले कई बार सुना था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस गाने को इतना
गंभीरता से ले लेगी। बस किस सीट पर सिर टिकाए उसने खिड़की से बाहर नजरें घुमाई। हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलिहान सब तेजी से भागते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी जिंदगी भी उसके हाथों से तेजी से छूटती जा रही है। आज का दिन शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। उसने गहरी सांस ली और पलकों को समेट लिया। माँ, क्या तुम कभी हवाई जहाज में बैठी हो? 14-15 साल के लड़के ने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन पर नजरें गड़ाते हुए पूछा। ना बेटा, हवाई जहाज में बैठना हमारे नसीब में, कहा चावल बिनते हुए माँ ने अपने नसीब को कोसा। माँ, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें और पापा को हवाई जहाज में जरूर बैठाऊंगा। उसने नजरों से ओझल होते हुए एरोप्लेन से नजरें हटाते हुए माँ की तरफ देखा। ठीक है, पहले तो बड़ा आदमी तो बन जा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक ने एक पल के लिए आंखें खोली तो अंदर सब कुछ बिखरा हुआ सा महसूस हुआ। उसने घबरा कर फिर से आंखें बंद कर ली। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया, जब उसी बेटे ने हमारी इज्जत नहीं की, तो अब बचा ही क्या है? बाबूजी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा कहते हुए, तू चिंता मत कर, एक बेटा नालायक निकल गया तो क्या हुआ? तेरा दूसरा बेटा है ना, जो तेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। दादी ने अपनी आंचल से बाबूजी के आंसू पोंछते हुए कहा। 10 साल के दीपक की ओर इशारा किया। बाबूजी ने बुझे बुझे निगाहों से उसकी उस तरफ देखा, जैसे वे पूछ रहे हो कि कहीं तू भी तो ऐसा ही नहीं करेगा। दीपक के बड़े भाई झगड़ालू स्वभाव के थे। वे कई सालों से माता पिता से अलग रहते थे और अक्सर उनसे झगड़ते रहते थे। दीपक को ऐसा लगता था जैसे बाबूजी की उम्मीद भरी निगाहें उसी को घूर रही हो। छोटे भाई का भविष्य, छोटी बहनों की उम्मीदें, सब कुछ बस उसी पर टिका हो। उसके मन में विचारों का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था कि उसे बेचैनी होने लगी। तभी एक झटके से बस रुकी तो विचारों का तूफान थम गया। बस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। जब वह सीट से उतरा, बाहर निकला, तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। बस स्टैंड से बाहर निकलकर वह आहिस्ता आहिस्ता रिया के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने पॉकेट से अपना मोबाइल फोन निकाला। वाह, क्या खूब रिश्तेदारी निभाई है आपने, आपकी
मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। प्रिया के जीजा जी का नंबर देखते ही दीपक उस पर बरस पड़ा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो आपकी तरफ से उन्हें मनाने की भरसक कोशिश ही कर रहा था। उधर से आवाज आई, बस रहने दीजिए, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूँ उनके घर उनसे बात करने के लिए। दीपक ने कहा, आप मेरी बात मानिए और अभी वहाँ मत जाइएगा, अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अब ठीक भी ठीक, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, आज तो आखिरी फैसला होकर ही रहेगा, दीपक ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। आप समझते क्यों नहीं, मैं बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया है, बात करने के लिए राजी किया है। यदि अभी आप वहां पर चले जाएंगे तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अभी आप मेरे घर चले आइए, मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा, हम उनसे बात करेंगे, रिया के जीजा जी ने समझाया। अच्छा ठीक है, दीपक ने फोन रख दिया। रिया के जीजा का घर रिया के घर के करीब 1 किलोमीटर की फासले पर था। दीपक रिया के जीजा जी के घर चला गया। वहां पर रिया के जीजा और दीदी दोनों ही मौजूद थे। उन्होंने दीपक का उचित आदर सत्कार किया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दीपक ने रिया के मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं उनसे इजाजत लेकर आता हूँ, रिया के जीजा जी ने कहा और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वे आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। दीपक ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा उन लोगों ने? वे लोग अभी ना तो आपसे मिलना चाहते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं, रिया के जीजा जी ने बताया। कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही उनसे बात करता हूँ, वह कहते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से रिया के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे रिया की छोटी बहन नेहा का स्कूल नजर आया। उसके बारे में एक बार नेहा ने बताया था कि वह उसी स्कूल में पढ़ती है। दीपक को नेहा से बड़ा लगाव था, वह उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। उसे लगा कि उसे नेहा से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि वह उससे झूठ कभी नहीं बोलेगी। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने अंदर देखा तो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नजर आए। दीपक ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया, क्या रिया स्कूल आई है? शिक्षक को नमस्कार करते हुए दीपक ने उनसे पूछा, हाँ आई तो है, लेकिन आप उसके कौन हैं? उस शिक्षक ने सवालिया लिहाजे से पूछा, नेहा मेरी बहन है, क्या आप उसे बुला देंगे? नेहा बाहर आओ, कोई आया है तुमसे मिलने, उस शिक्षक ने वहीं से आवाज लगाई। थोड़ी देर में
नेहा वहां पर आई और आते ही उसने प्रणाम किया, बोला। उसके आते ही जब शिक्षक ने देखा कि वो उसे जानती है तो वो अंदर चले गए। उसकी बुझी हुई आंखें बेहतरीन बाल, सूखे ओठ और उदास चेहरा देखकर दीपक का दिल दुख से भर उठा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही खूबसूरत लड़की है जो हमेशा खुशी से चहकती रहती है। घर का क्या हाल है नेहा, कुछ बताओ ना। उसकी आवाज में दर्द था। क्या बताऊं भैया, घर के हालात बहुत खराब हैं। घर में तूफान मचा हुआ है, कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। मम्मी पापा दीदी को टॉर्चर कर रहे हैं, साथ में मुझे और आपकी बहन को भी टॉर्चर करते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें भी मारा है? हाँ, वे कहते हैं कि जब तुम्हें इस बात का पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं। उसकी हालत देखकर दीपक को पहली बार खुद से नफरत होने लगी। मेरी वजह से इस मासूम लड़की को इतने दुख सहने पड़े, यह सोच कर वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। घर चलिए ना भैया, दीपक को आने के लिए नेहा ने कहा। आज नहीं, फिर कभी। तुम एक काम करोगी मेरा, ये पत्र अपनी दीदी तक पहुंचा देना। दीपक ने अपना आखिरी पत्र जेब से निकाला और नेहा को थमा दिया, जो उसने कल रात ही रिया के लिए लिखा था। ठीक है, अब मैं जाऊं, नेहा ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, अब तुम जाओ, दीपक ने कहा। नेहा ने उसके पैर छुए और अंदर चली गई। उसके जाते ही वह भी आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों, नेहा से मिलने के बाद उसके ख्यालात बदलने लगे। अब उसे अपनी खुशी की नहीं बल्कि नेहा के परिवार की फिक्र होने लगी। अगर मैं आज मैंने नेहा के घर जाकर जहर खा लिया तो नेहा के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरी मौत के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर के रख देगी। एक तो वे बेचारे अपनी नालायक बेटी की वजह से पहले ही परेशान हैं, उनकी बजाय मम्मी जी पहले से ही डिप्रेशन में रहती हैं। मुसीबत का सामना करते करते पापा जी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं और यदि वे अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि वे लोग बुरे हैं। वे क्या कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे परिवार में हो? दुनिया के सभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे अमीर और खाते पीते परिवार में हो ताकि वह हमेशा खुश रह सके। यदि मैं ही उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। फिर मेरे जैसे गरीब आदमी की औकात ही क्या है? यदि रिया की शादी मुझसे हो भी गई तो मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे साथ रहकर उसकी जिंदगी भी
बर्बाद हो जाएगी। आज अगर उसकी दरवाजे पर मेरी मौत हो गई तो मेरे घर वाले इनके ऊपर हत्या का केस कर देंगे। फिर मम्मी पापा को, रिया को, नेहा को, सबको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मेरी बहन अंकिता का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। रिया की बड़ी बदनामी होगी और रिया अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हो सकता है इस बदनामी के डर से वह आत्महत्या कर ले और इस सबका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही होऊंगा। क्या मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि अपनी खुशी के लिए इतने लोगों के दुख का कारण बन जाऊं? मैं तो हमेशा से ही दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता आया हूँ। क्या मैं इनकी खुशी के लिए एक और कुर्बानी नहीं कर सकता? क्या किसी को पा लेना ही सच्चा प्यार है? इसी तरह के हजारों विचार उसके मन में तूफान मचा रहे थे। फिर उसके दिमाग में और उसके मन को बेचैन कर रहे थे। उसका सिर फटने लगा, पांव भारी होने लगे, उसके कानों में एक साथ कई लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने अभी रिया का रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता तो कभी नेहा का रोता हुआ मासूम चेहरा घूमने लगता, कभी अंकिता का रोता चीखता चेहरा सामने नजर आता। अब एक कदम भी चलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह सिर पकड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तक उसी हालत में बैठा रहा। क्या तू इतना कायर और कमजोर है कि मूर्खों की भांति आत्महत्या करने चला है? क्या तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा नहीं कि तू उसे जलील करना चाहता है? क्या किसी के जिस्म को हासिल कर लेना ही मोहब्बत है? क्या बिना शादी किए तू अपने प्यार को जिंदा नहीं रख सकता? क्या तेरे जीवन का मकसद यही है? क्या तू भूल गया है कि तुम्हारा जन्म इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुआ है? क्या तू अपने माता पिता भाई बहनों को जीते जी मार देना चाहता है? इसी तरह के हजारों सवाल उसके मन में एक साथ उठने लगे। तभी उसकी अंतरात्मा से एक आवाज आई, नहीं दीपक, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें इन सब की खुशियों के बदले अपने खुशियों की कुर्बानी देनी ही होगी। नहीं, एकाएक उसने सर को झटके से उठाया और उठकर खड़ा हो गया। अब वह अंतिम निर्णय पर पहुंच चुका था। उसने जेब से सल्फास की गोलियां निकाली और नफरत से देखते हुए उसे दूर फेंक दिया। सच्ची मोहब्बत जीवन देती है, जीवन लेती नहीं। बहुत पहले उसने किसी मैगजीन में यह नज्म पढ़ी थी, लेकिन उसका अर्थ उसे आज समझ में आया। तुम ना हुए मेरे तो क्या, तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा रहा, मेरी चंदा मैं तेरा सितारा रहा,
रिश्ता है बस एक रेत एक रेत एक रेत सा। ये समंदर मैं तेरा किनारा रहा, ये समंदर मैं तेरा किनारा रहा। तभी बिस्तर से नीचे गिरते ही उसकी यादों और ख्वाबों के बीच का डोर टूट गया। क्या यार फिर से मोहब्बत के दौरे पड़ने लगे क्या, जो सपने में बुदबुदा रहे हो। तवे पर रोटी रखते हुए उसके दोस्त प्रदीप ने चुटकी ली। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि मुझे बिस्तर से गिराया किसने, दीपक कमर सहलाता हुआ गुस्से में बोला। प्रदीप ने नजरें घुमाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां विशेषर मुस्कुराते हुए भागने के लिए तैयार चप्पलें पहन रहा था। रुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, दीपक भी हंसते हुए तेजी से उसके पीछे भागा। तो कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। आजकल ज्यादातर युवक प्यार के सही अर्थ को नहीं समझते और निराश हताश होकर जिंदगी में गलत कदम उठा लेते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मोहब्बत किसी को पा लेना नहीं, मोहब्बत तो जिंदगी देने का नाम है, ना कि जिंदगी लेने का। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।